कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ये भी ज़रा पूछेंगे अपने डेंटिस्ट से कि जिन लोगों की नेचर सेंसिटिव होती है, क्या उनके दांत भी सेंसिटिव होते हैं या नहीं। पॉइंट है, क्या कहरी बात कही। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसनैन सकरानी ने, ये कराची यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपकी स्पेशलिटी ऑर्थोडॉन्टिक्स है। आप पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडॉन्टिस्ट के फाउंडिंग मेंबर और फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइनेंस कितना रहता है आपके पास? ये सीक्रेट बात है। सीक्रेट ही रहनी चाहिए इस बात को। अच्छा, लेकिन जो बात आम तो करनी है, हम इस हवाले से बात करें और हाइजीन के हवाले से बात करें, सेंसिटिविटी के हवाले से बात करें दांतों की, लेकिन आइडेंटिफाई कोई कैसे करे कि उसके दांत जो है उनका टाइप क्या है, सबसे पहले तो ये सवाल। देखिए, डिपेंड करता है, दांतों के बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं और सेंसिटिव प्रॉब्लम्स उस वक्त आते हैं जब आपने कुछ ठंडा लिया, गर्म लिया, इस तरह के इश्यूज हैं। वैसे दांतों के बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और आपके आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यू हैव टू डील अकॉर्डिंगली। तो सेंसिटाइज सिर्फ सेंसिटिविटी को ही कवर करता है या हम किस हवाले से इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंसिटिवनेस, और किस तरह से हो जाता है। एग्जैक्टली, जब हम ब्रशिंग टेक्निक हमारी अगर ठीक नहीं है और जिसकी वजह से गम्स हमारे अगर रिसीट कर रहे हैं, तो दांतों के ऊपर जो एक लेयर होती है वो हट जाती है, इनामिल हट जाता है या डेंटिन हट जाती है, तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो जाते हैं। होता यह है कि दांत का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसे हम पल्प कहते हैं, जहाँ पर नर्व्स ब्लड वेसल आ रही होती हैं, वहाँ से वो रेडिएट करती हैं थ्रू चैनल जिसको हम डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और वो अगर ऊपर की कवरिंग हट जाए और ओपन हो जाए तो फिर दांत सेंसिटिव हो जाता है। अगर हम ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे, माउथ टेम्परेचर वेरी करेगा, तो वो नर्व्स उसको सेंस करेंगे और एज अ पेन, शार्प किस्म का पेन क्लोज हो जाता है। किस तरह से हटता है कोई? हाँ, देखिए ऐसा है, अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, आप बस हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहे हैं, तो ऊपर से इनामिल हट जाएगा, रूट एक्सपोज हो जाएंगे। आप किस तरह ब्रश करते हैं? मैं पिछले शो से लेकर अब तक जो है मैं यूं यूं कर रहा हूं। अच्छा, गुड। उससे पहले हम यूं 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 कह रहे थे, अब यूं यूं कह रहे हैं, गुड। एक तो नंबर वन ब्रशिंग टेक्निक हो गई। फिर अगर आपकी ब्रशिंग ठीक नहीं है, गम्स आपके स्वेलन हो गए, ब्लीडिंग गम्स हैं, बेड ब्रेथ इश्यूज हैं, तो स्वेलन गम्स की वजह से भी वो गम्स रिसीट करते हैं, नीचे चले जाते हैं, ठीक है? तो उससे भी आपके रूट्स एक्सपोज हो रही हैं, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स खुल रहे हैं, और जब आपने ठंडा लिया, कोल्ड ड्रिंक ली, चाय ली, कॉफ़ी ली, आइसक्रीम खाई, माउथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, एकदम गर्म हो रहा है, एकदम ठंडा हो रहा है, तो जो खुली हुई नर्व एंडिंग हैं वो उसको सेंस कर रही हैं। अच्छा। और वो फिर एज अ पेन आपके ब्रेन को मैसेज सिग्नल मिल रहा है कि एक शार्प सा पेन है और आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, तकलीफ होती है। तो ये अगर जो सेंसिटिव दांत होते हैं, क्या ये ज़्यादा हसास जो होते हैं, किस वजह से और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा लेने से फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आपके दांत हेल्दी हैं तो गर्म और ठंडा तो आप सेंस नहीं करेंगे, मतलब आपको पेनफुल कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग जब आइसक्रीम खाते हैं वो सामने से नीचे बा सकते हैं क्योंकि उनको एकदम से वही है ना, देयर इज सम प्रॉब्लम कि या तो आपका इनामिल वहाँ से वेयर हो गया है, रूट्स एक्सपोज हैं ड्यू टू प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया कि ब्रशिंग ठीक नहीं है, गम स्वोलन है, तो और या एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके इनामिल को वेयर कर रहा है। अच्छा। जब इनामिल वेयर होगा, ऊपर की जब प्रोटेक्टिव कवरिंग वेयर होगी, तो अंदर से जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक्सपोज होंगी, तो फिर आप ये प्रॉब्लम, ये इन्फेक्शन तो नहीं किसी तरह का सेंसिटिविटी? नो, ये इन्फेक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंडीशन जो आप फील कर रहे होते हैं, इट्स नॉट एन इन्फेक्शन। और तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब एक नर्व एंडिंग्स ओपन हो गई हैं तो वो ये आइसक्रीम को, कोल्ड ड्रिंक को, चाय को सेंस कर रहा है। अब करना ये है कि वी हैव टू प्लग दोज ओपन नर्व एंडिंग्स, ताकि आप जो ये पेनफुल कंडीशन हो रही है, आप अपनी मजे मजे की आइसक्रीम, कुल्फी, फालूदा, चाय, कोल्ड ड्रिंक इंजॉय नहीं कर पा रहे ना, तो जस्ट टू गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट वी हैव टू प्लग, हम उस जगह को प्लग करना है जो ओपन डेंटिनल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ताकि आप इसको सेंस ना करें। उसके लिए फिर डिफरेंट रेमेडीज हैं। वैसे आपको लगता है कि हम लोग जितना यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि गुटके और पान और सिगरेट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, तो इसकी वजह से भी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा इन्हांस होती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब देखिए, हमारे यहाँ जो बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है कि पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, छालिया बीटल नट से कहते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, गुटका यूज़ हो रहा है, इसके अंदर छालिया है विच इज़ वेरी एब्रेसिव। एक मैसेज जो मैं बताना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि छालिया जो है बहुत नुकसानदेह हमारी ओरल हेल्थ के लिए, एंड एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसकी वजह से आपकी माउथ की ओपनिंग कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड दिस कैन लीड टू कैंसर इज वेल। तो जो छालिया खा रहे होते हैं उन लोगों के लिए ये एक कॉशन नोट है कि ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा, छालिया एक सख्त मटीरियल है, वो एब्रेसिव भी होता है, जब आप उसको चबाते हैं
तो आपका दांत का इनामल की लेयर है, रूट की जो ऊपर कवरिंग है सीमेंटम है वो उतर रही है, और डेफिनेटली जब ऊपर की कवरिंग उतरेगी तो ठंडा गर्म या सेंसिटिव फीलिंग तो आएगी. तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मेन कॉजेस. कितना कॉमन है यहाँ पर ये सेंसिटिव दांतों का? इट इज समथिंग वेरी कॉमन. जो रिसर्च हमें बताती है कि 33% जिस तरह से तीन में से कोई एक लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं इन सम स्टेज ऑफ लाइफ. ठंडा चिल पानी इन्होंने रखवाया ये हम बिल्कुल. अगर जिस तरह से आपने पहले पूछा था कैसे मालूम होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो चिल टेस्ट करते हैं. अगर आप ठंडा पानी पिए और आप अनकंफर्टेबल अगर फील कर रहे हैं, एक शार्प सम पेन आप फील कर रहे हैं अपने दांतों में, तो उसका मतलब है कि यू हैव दिस प्रॉब्लम. ट्राई करें ना, अभी मालूम हो जाएगा. नहीं ठीक है, ठीक है. आप जो है ना उन दो में से हैं. अच्छा नहीं, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं इंटरेस्टिंग. अभी हम इस हवाले से बात भी कर रहे थे. बाकी पिछले दिनों मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था जिसमें मैंने छालिया का इस्तेमाल जरा बहुत ज्यादा रखा था एक तरफ मुंह के. विद इन 3 डेज मैं आपको बताऊं, तीसरे दिन एक अच्छा खासा मुझे माउथ अल्सर का जिस तरह का छाला बिल्कुल वो उसकी वजह से हो गया. और मैं ये उसके बाद फिर मैंने उस कैरेक्टर में भी कोशिश की कि मैं उस चीज को यूज ना करूँ. तो मतलब इतनी खतरनाक हो सकती हैं ये चीजें, तो इसका जरा ख्याल रखें, कोशिश करें कि साइड पर रखते हैं तो गोश्त आपका वो गम का और डेफिनेटली ये सब जिस साइड पर रखा होता है वो रिंकल्ड सा फील होता है. अच्छा सर, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कौन वो बेसिकली लोग हैं जिनके साथ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या वो ठंडा गर्म पीने वाले लोग हैं जिनके साथ सिर्फ ये होता है? नहीं नहीं, ये या कोई एज लिमिट है कि किस में ये जाके जनरल प्रॉब्लम है. और वैसे तो ओल्ड एज में ज़्यादा प्रेवेलेंट है, जैसे जैसे आपके एज के साथ गम रिसेशन हो रही हैं. और साथ हो रहा है अभी तक तो नहीं हुआ. वैसे मैं अभी उस एज कैटर में नहीं आया. अभी नहीं आया. ओके ओके, थैंक यू सो मच. तो उसमें ये है कि बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह से हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, यंग पॉपुलेशन के अंदर भी आ रहा है, यंग पॉपुलेशन के अंदर भी ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं. अच्छा। सिर्फ ये एक ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं है, यंग पॉपुलेशन के अंदर भी आने शुरू हो गई है. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि अब हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ें मिल रही हैं. सही है. तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? अब जिन लोगों के दांत हसास हैं, मेरी तरह इतने स्ट्रांग नहीं है, ऐसे मेरे भी आप डेंटिस्ट के पास जाएं, हम किस मर्ज की दवाएं. लेकिन नहीं, ये तो एक जनरल जस्ट अ जोक. जो एक जनरल उसको ट्रीटमेंट का सिस्टम होता है वो ये होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स ओपन हो गए, नर्व एंडिंग्स खुल गई हैं, उनको प्लग करने की ज़रूरत है. अच्छा. तो ऐसे कुछ टूथपेस्ट आते हैं, कुछ माउथ वॉशेज आते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट. जैसे सेंसोडाइन एक वर्ल्ड लीडर है, ये वर्ल्ड ओवर दिस इज अ लीडिंग ब्रांड. तो इसके अंदर जिस तरह से 3 वेरियंट्स हैं, एक ओरिजिनल है जिसके अंदर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड है, और फिर जो है वो टोटल केयर है, और विथ फ्लोराइड है. तो इसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट है. तो ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ये उस नर्व एंडिंग्स को प्लग कर देते हैं. अगर नर्व एंडिंग्स प्लग हो जाएंगी तो आपको वो जो कंडक्शन मिल रही है, जो आपको एक पेन सिग्नल मिल रहा है, वो जाना बंद हो जाएगा. तो एज अ बेसिक टूल आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और माउथवॉश भी इस तरह के अवेलेबल हैं, सेंसोडाइन का फॉर एग्जांपल है अवेलेबल जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है. तो ये अगर आप रेगुलर यूज़ पे रखें तो ये माइनर प्रॉब्लम्स उससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठंडा गर्म हम बेहतर हो जाएगा. अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते तो यू शुड सी योर डेंटिस्ट, बिकॉज अगर ठंडा गर्म महसूस हो रहा है दिस कुड बी बिकॉज ऑफ एनी फॉर्मेशन ऑफ एनी कैविटी. कोई दांत में कीड़ा बनना शुरू हो गया, कैविटी लग गई है. क्योंकि कैविटी जब पल्प करीब पहुंचती है, नर्व्स करीब पहुंचती है, तो भी इस तरह की सेंसेशन आती है. अगर ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं, आपको ये होम टूथपेस्ट माउथ वॉश इससे यूज से नहीं सेटल हो रहा है, यू शुड सी योर डेंटिस्ट. आप डेंटिस्ट के पास जाएं, घरेलू टोटका इस्तेमाल कर लें दांतों की सेंसिटिविटी के लिए. घरेलू टोटके लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं. बहुत डिफरेंट तरह के हमें वो मिलते हैं कि हमने ये इस्तेमाल किया इससे भी ठीक नहीं हुआ, हमने वो इस्तेमाल लेकिन इवेंचुअली आपके पास इवेंचुअली यस सेंसिटिविटी प्रॉब्लम में टोटके इतने काम नहीं करते. अच्छा. और फिर लोग उसको क्या करते हैं कि जिस तरह अगर आपको आइसक्रीम हो रहा है तो आइसक्रीम खाना छोड़ दी, या अगर राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड से खाना शुरू कर दिया, ये भी अवॉइड. लेकिन उसको ट्रीट नहीं करते, उसको उसका प्रॉपर जब तक आप उसका हल नहीं ढूंढेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो खुद से ठीक हो जाए. तो वी शुड, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप उसको उसी तरह से यू शुड सी के उसको हम देखें. तो मैंने आपको सिंपल हल तो बताया कि अगर आप
बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं घर पे विद डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट सच एज सेंसोडाइन और माउथ वॉश, और अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो फिर आप डेंटिस्ट के पास हम बैठे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आप आए, और वाकई डेंटिस्ट भी बैठे हुए हैं, मतलब सेंसोडाइन अगर जो है आपको अपने रिजल्ट्स नहीं देता जो कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं जो चाहिए आपको, उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाए यार, उनको भी पैसा। अच्छा जी, आज हमने बात की ओरल हाइजीन के हवाले से, आई होप कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत जो है इसमें से कुछ फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के साथ जो मसाइल होते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे, और जब वापस आएंगे तो हम अपने उस टॉपिक की बात करेंगे जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, जो कि रिश्ते से पहले जो है हम इस बात का तयन करेंगे कि लड़का और लड़की को किस हद तक एक दूसरे से बात करना चाहिए। आप लोगों की राय जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग किस तरह से सोचते हैं, और आप लोगों ने कितनी ज़्यादा छूट दी हुई है अपने बच्चों को, या बच्चे हमें कॉल कर सकते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन हैं जो माँ बाप लगाते हैं, हर चीज़ जानने की ज़रूरत है। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे हमारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं होगी। We'll be right back.